स्टूडेंट्स, बच्चों आपका शॉर्ट स्टोरी जो चल रही थी उसमें आपका लेसन थर्ड चल रहा है। लेसन थर्ड इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। इस लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें लेखक ने ये बताया कि एंटार्क्टिका में जब वो अपने हाई स्कूल के बच्चों के ग्रुप को लेके वहाँ पर गए तो क्या क्या वह देखा, क्या क्लाइमेटिक चेंजेस देखे, उससे मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, वहाँ के वेजिटेशन कैसी थी, वनस्पति जीवन कैसा था, वनस्पति थी कि या नहीं थी, मानव वहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इस प्रकार के तमाम बदलाव को देखा। अब यहाँ पर वो लेखिका कहती है कि वाट ऑन द ओशन। फिर इसके अंतर इस टॉपिक के अंतर्गत लेखिका बताती है माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इफिफेनिस। वो कहती है कि मेरी अंटार्कटिक अनुभव ऐसे रहस्य के प्रकटीकरण के क्षणों से भरा हुआ, माने ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उसके सामने नहीं उजागर हुई थी, बट द बेस्ट अकॉर्ड जस्ट सॉर्ट ऑफ एंटार्कटिक सर्किल एट 65.5 डिग्री के समय। लेकिन सबसे अच्छा प्रकटीकरण उस समय घटा जब हम अर्थात लेखिका और उसके साथ में गए हुए बच्चे अंटार्कटिक वृत्त से थोड़े नीचे 65.5 डिग्री पर दक्षिण की ओर थे। द सोकोलेस्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। फिर आगे लेखिका कहती है कि सोकोलेस्की बर्फ की एक मोटी सफ़ेद लगातार विस्तार में, माने सोकोलेस्की नाम के मोटी सफ़ेद जो परत थी, चादर थी एंटार्कटिका में, उसके बारे में बात कर रही है। प्रायद्वीपी और टैडपोल द्वीप के बीच में घुसकर जाम हो गया, इस कारण हम आगे बढ़ने से रुक गए। फिर आगे लेखिका बताती है कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। उनके साथ में कप्तान भी था मार्गदर्शक रूप में। तो फिर वो बताती है कि प्रायद्वीप और टैडपोल द्वीप के बीच उसका जाम हो गया, इस कारण हम आगे बढ़ने से रुक गए। फिर उसके बाद कप्तान ने निर्णय लिया हम वापस जा रहे हैं, वापस जाने के निर्णय लिया क्योंकि मार्ग आगे नहीं था और उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। पर इससे पहले हम बढ़े हमें निर्देश दिए गए कि दक्षिण तट से नीचे उतर जाएं और महासागर पर भ्रमण करें, ये चीज़ बताई गई। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, टोटल मिला के वो 52 लोग थे, किटेड आउट इन द गोल्ड टैक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन अ स्टार्क ब्राइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉरएवर। दक्षिण तट से नीचे उतर जाएं और महासागर भ्रमण करें, हम कुल मिलाकर 52 व्यक्ति थे। हमें निर्देश दिए गए कि दक्षिण तट से नीचे उतर जाएं, महासागर पर भ्रमण करें, हम कुल मिलाकर 52 व्यक्ति थे। हमारे पास अपने किट्स थे और पोशाक में सांस लेने वाले वाटरप्रूफ वस्त्र भी थे। फिर आगे लेखिका कहती है अंडर नीथ अवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक एंड अंडर नीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर इन द पेरिफेरी क्रेबिएटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवेलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। फिर यहाँ पर लेखिका कहती है हम पूरी सफेदी पर भ्रमण कर रहे थे, अर्थात बर्फ पर, जो ऐसा प्रतीत होते थे कि बस हमेशा फैली रहेगी। हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी कठोर बर्फ की गद्दी थी और उसके नीचे 180 मीटर रहने का सांस लेने का खारा पानी था। उस क्षेत्र को बाहरी सीमा में केकड़े खाने वाले सील, मछलियाँ, ये सब जीव जंतु थे, तैरते हुए बर्फ के क्षेत्र पर फैली हुई थी और धूप सेक रही थी। वह ऐसे प्रतीत होती थी जैसे बरगद के पेड़ की छांव के नीचे आवारा कुत्ते, यहाँ पर
स्टे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बैनियन ट्री, अबारक उतरे बरगद के पेड़ के छाया के नीचे बैठे हों। यह दैवीय प्रकटीकरण से कुछ कम नहीं था कि प्रत्येक जीव वस्तुता जुड़ा हुआ था। तो ये लेखक ने अपने विचार उसमें व्यक्त किए, जो जो चीज़ें उसने वहाँ पर एक्सपीरियंस की उनके बारे में बताया। तो बच्चों ये सेकंड लास्ट पैरा था जिसका हिंदी मैंने अर्थ बताया। कुछ इसमें बहुत ही हार्ड वर्ड हैं, इनको आपको समझ लेना चाहिए। जैसे इपिफेनिस का मतलब है रिवलेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का प्रकटीकरण होना या खुलासा होना। स्टेज का मतलब लगातार विस्तार। पेनिनसुला का मतलब है प्रायद्वीप, जैसे अपना भारत क्या है, प्रायद्वीप है जो तीन तरफ पानी से घिरा रहता है। गैंग प्लैंक मोबाइल प्लैंक यूज टू, गैंग प्लैंक का मतलब होता है गतिशील तख्ता होता है एक प्रकार से। गिलर्स माने तेज और चकाचौंध करने वाला प्रकाश। स्टार्क माने कंप्लीट पूरी। तो इस तरह से हार्ड वर्ड है। स्टे माने आवारा। तो ये इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, पैरा आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट पैरा बचा है उसको कल मैं पढ़ाऊँगा। अच्छे से पढ़ते रहिए और ग्रुप में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, यूनिट टेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पर रिजल्ट मेंटेन हो और उसको DIS में भेजा जाए। और यही होना है बच्चों ऑनलाइन, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो फिलहाल मैं तो आपसे यही आशा करता हूँ आप लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।